हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है एवरेज। जब हमें गिवन डाटा में कुछ एवरेज फाइंड करना होता है, दैट इज़ आल्सो नोन एज सेंट्रल टेंडेंसी। देखो, एवरेज फाइंड करने के लिए जनरली हमारे पास तीन मेथड होते हैं। हम उसका मीन निकाल सकते हैं, आपने सीखा होगा पहले भी, मीन निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं या मॉड निकाल सकते हैं, ठीक है। और मीन फाइंड करने के भी हमारे पास तीन अलग अलग मेथड हैं, जैसा कि सामने चार्ट में नज़र आ रहा है। एक होता है अर्थमेटिक मीन, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन और तीसरा हार्मोनिक मीन। तो अल्टीमेटली टोटल हमारे पास ये पांच मेथड हैं एवरेज फाइंड करने के लिए, ठीक है। एवरेज का मतलब क्या हुआ? अगर हम ये देखना चाहते हैं कि एवरेज का मतलब क्या है, तो एवरेज से हमारा मीनिंग है कि हम गिवन डाटा में से कोई एक ऐसी वैल्यू निकालना चाहते हैं जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करे। एवरेज मीन्स द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। तो हम गिवन डाटा की एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू निकालना चाहते हैं। जैसे हम कहें कि एक स्कूल है और स्कूल में बड़े सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, तो अगर हम बताएं कि उन बच्चों के एवरेज मार्क्स 73 हैं, तो 73 क्या है? एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर है जो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि सभी बच्चों के मार्क्स ऑन एन एवरेज 73 आए हर सब्जेक्ट में। और एवरेज का मतलब भी यही है कि थोड़े से कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, कि अगर किसी के 73 के बदले 72 आए होंगे, कोई 74 भी होगा, कुछ 70 होगा, तो कोई 75, 76 भी होगा। तो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन के साथ एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो हम फाइंड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एवरेज। अब देखो, एवरेज फाइंड करने के लिए आप लोगों ने मीन तो पहले भी कई बार निकाला होगा, लेकिन आज हम इसमें कुछ नई नई बातें भी साथ में सीखेंगे, ठीक है। देखो, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। मीन में सबसे पहला मीन आता है अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन की खासियत क्या है? इट इज़ द मोस्ट कॉमन और मोस्ट पॉपुलर एवरेज यूज टू फाइंड एवरेज इनकम। देखो, अगर हमें इनकम में से कुछ लोगों की इनकम दी हुई है और हमें उनकी एवरेज इनकम फाइंड करनी है, तो नेचुरल है हम अर्थमेटिक मीन यूज़ करते हैं। अगर हमें कुछ एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं कि किस किस पर्सन ने कितना कितना अमाउंट स्पेंड किया और हम एवरेज निकालना चाहते हैं, तो नेचुरल है तब भी हम अर्थमेटिक मीन ही यूज़ करते हैं। अगर हम किसी कंपनी का एवरेज प्रोडक्शन निकालना चाहते हैं, हमें 4 ईयर्स का प्रोडक्शन दिया हुआ है कि फर्स्ट ईयर में सपोज 1000 टन का प्रोडक्शन हुआ, फिर 1200, 1500, 1800, तो इसमें हम अर्थमेटिक मीन का यूज़ करते हैं एवरेज प्रोडक्शन फाइंड करने के लिए। सिमिलरली एवरेज सेल्स फाइंड करने के लिए भी हम अर्थमेटिक मीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चों के एवरेज, कुछ बच्चों के अगर हमें मार्क्स गिवन हैं और हम उनके एवरेज मार्क्स फाइंड करना चाहते हैं, तो उस एवरेज को फाइंड करने के लिए भी हम अर्थमेटिक मीन का यूज़ करते हैं। लेकिन गुड क्वेश्चन अराइज हुआ, तो फिर ये ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन या मॉड, ये किस काम आते हैं? तो देखो, उसका आंसर ये है कि अर्थमेटिक मीन मोस्ट पॉपुलर तो है, लेकिन हर तरह के डाटा के लिए ये मोस्ट सूटेबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमें कई बार अर्थमेटिक मीन के बदले ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन या मीडियन या फिर मॉड का यूज़ करना पड़ता है एवरेज निकालने के लिए। तो चलो हम देखते हैं कि ये किस किस केस में सूटेबल नहीं है। बट इट इज़ मीन्स अर्थमेटिक मीन इज़ नॉट सूटेबल फॉर एवरेज प्राइजेज। एवरेज प्राइस के लिए सूटेबल नहीं है। तो मैं आपको अभी यहाँ पर प्रूव करके दिखाता हूँ कि किस तरह से अगर हमें प्राइजेज गिवन हैं और हम उसका अर्थमेटिक मीन निकाल दें, तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तब तक ये वाला एक चार्ट नोट कर लो आप लोग, और ये एवरेज फाइंड करने की एक छोटी सी बढ़िया सी डेफिनेशन है, इसे नोट कर लो।
एवरेज मीन्स रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ए गिवन डाटा। यहाँ पर मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि किस तरह से ये इन 5 केसेस में अर्थमेटिक मीन जो है वो सूटेबल एवरेज नहीं होता। ठीक है, नोट करो। सबसे पहला केस है एवरेज प्राइस। देखो, अगर हमें प्राइस दी हुई है ₹500 और ₹1000, सपोज ये जैन की प्राइस है और ये फेब, ठीक है, ₹500 प्राइस और ₹1000 प्राइस दी हुई है। तो अगर हम इसका एवरेज यानी कि अर्थमेटिक मीन निकालें, तो वैसे अभी मैंने आपको सिखाया नहीं अर्थमेटिक मीन, लेकिन फिर भी आप लोगों को मालूम होगा कि अर्थमेटिक मीन का मतलब है दोनों को ऐड करके हम जनरली हाफ कर देते हैं। तो 500 प्लस 1000 डिवाइड बाय 2 ये बन जाएगा 1500 डिवाइड बाय 2 यानी कि 750। तो किस तरह से ये एक सूटेबल एवरेज नहीं है ये देखते हैं। देखो, इस तरह से है ये कि क्योंकि देखो हम सबको मालूम है कि जब प्राइस इंक्रीज होती है तो प्राइस के बढ़ने से उसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है, लेकिन जब हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं और दो नंबरों को ऐड करके हाफ कर दिया तो इसका मतलब है कि हम इनका जो वेट है वो इक्वल इक्वल सपोज कर रहे हैं, वन वन सपोज कर रहे हैं। तभी तो एक बार 500 और एक बार 1000 लिखा, दोनों को ऐड करके हाफ कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होता है प्राइस के केस में। समझ आ गया? इट इज़ पॉसिबल कि जब प्राइस 500 थी तो हम 10 kg इस्तेमाल कर रहे थे उस प्रोडक्ट को, जब प्राइस बढ़कर 1000 हो गई तो हमने इसे 6 kg, 5 kg और 4 kg यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है कि जब हमें एवरेज निकालना है तो 10 टाइम्स तो 500 आएगा और 4 टाइम्स 1000 आएगा, तब हम इन सब का एवरेज निकालेंगे तो सही आंसर आएगा। और अगर हमें ये वाली वैल्यू गिवन नहीं है और हम इन दोनों का एवरेज निकाल दें और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो ये आंसर रॉन्ग होगा। मेरी बात समझ आई या नहीं आ गई? ठीक है, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। सपोज कर लेते हैं इस बार हमें जो प्राइस है वो स्टील और सिल्वर की प्राइस दी हुई है। देखो, स्टील जो है सपोज कर लेते हैं ये ₹40 पर केजी है, मतलब प्राइस इन रुपीज़ पर केजी मैंने ऊपर लिख दिया तो नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्टील जो है सपोज कर लेते हैं दैट इज़ ₹40 पर केजी एंड सिल्वर इज ₹40,000 पर केजी। तो अगर हम ये बोलें कि हाँ जी दोनों की जो एवरेज प्राइस है दैट इज 40 प्लस 40,000 डिवाइड बाय 2 और ये 20,020 है, तो दैट इज़ नॉट ए सूटेबल एवरेज टू फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ दीज टू मेटल्स। ठीक है, रीज़न क्या है? रीज़न अगेन सेम है जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था कि जो स्टील है ये हमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। किस लिए स्टील चाहिए होता है? देखो, स्टील की रॉड्स बनती हैं जो, तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते वक्त लेंटर डालते हैं, कॉलम्स बनाते हैं,
बीम डालते हैं तो उसके लिए हमें ये स्टील की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका कंजम्पशन भी टन्स में होता है। अच्छा ठीक है, और सिल्वर, सिल्वर किस काम आता है, थोड़ी ज्वेलरी बनाने के काम आ सकता है या थोड़ा सा बर्तन वगैरह बनाने के लिए, गिलास कप ट्रे वगैरह, या ऐसे कोई फैशनेबल आइटम या कोई मूर्ति बनाने के काम आता है। तो इसमें ये केजीज में यूज़ ही नहीं होता, ठीक है, 10 ग्राम्स, 20 ग्राम, 40 ग्राम्स या 200 ग्राम थोड़ा सा यूज़ होता है। तो जब इनका कंजम्पशन इक्वल नहीं है तो इस तरह से दो नंबरों को ऐड करके हाफ कर देना सूटेबल एवरेज नहीं कहलाता, ठीक है। तो इसके लिए नेचुरल है कि मैंने यहाँ से मिटा दिया, हम ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन या मॉड, इनमें से कुछ यूज़ करेंगे। तो जब हम उन्हें सीखेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि इन 5 केसेस में अर्थमेटिक मीन सूटेबल नहीं है तो फिर क्या सूटेबल है, ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में सीखेंगे, ठीक है। अभी इसको नोट कर लो, मिटाएंगे इसको। अल्टीमेटली कंक्लूजन इसमें ये निकला है कि अगर सिर्फ प्राइजेस गिवन हैं तो ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, 3 प्राइज गिवन तो तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देना, वो रॉन्ग है। अच्छा, और अगर हमें क्वांटिटी गिवन है तो फिर हम अर्थमेटिक मीन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, सेकेंड नंबर पर है एवरेज स्पीड। हम एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं। सपोज हमें स्पीड दी हुई है 100 किलोमीटर पर आवर और 500 मीटर पर आवर, ठीक है। क्लियर। सपोज़ ये दोनों कार ही हैं, चलो थोड़ा सा कम कर देता हूँ इसको, दैट इज़ से 40 किलोमीटर पर आवर एंड 200 किलोमीटर पर आवर, दैट इज़ कार ए एंड दैट इज़ ए कार बी। और अगर हमें पूछे फाइंड करने के लिए कहा जाए कि दोनों कारों की एवरेज स्पीड कितनी है, ठीक है, तो अगर हम इनकी एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए बोले, अच्छा वेरी सिंपल, 40 प्लस 200 डिवाइड बाय 2, 240 अपॉन 2 एंड दैट इज़ 120 किलोमीटर पर आवर, दैट इज़ अगेन ए रॉन्ग आंसर। क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हमें कहीं जाना है तो अगर हम कार ए से जा रहे हैं और उसकी एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है तो स्लो चल रही है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और जब हम उसे फास्ट चलाएंगे तो टाइम कम लगेगा। तो अगर साथ में टाइम गिवन है तब तो ठीक है, तब तो अर्थमेटिक मीन का हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर सामने टाइम गिवन नहीं है, सिर्फ स्पीड गिवन है, देन अर्थमेटिक मीन इज़ नॉट सूटेबल टू फाइंड द एवरेज स्पीड, ठीक है। और अब देखो मैं इसको एक नए ढंग से करके दिखा रहा हूँ। कि अगर हमें साथ में आवर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, कि अगर हम 40 की स्पीड से जाएंगे तो 10 आवर्स लगेंगे, 20 की स्पीड से जाएंगे तो हमें 2 आवर्स लगेंगे। आप चेक करके देख लो, 40 की स्पीड से 10 आवर्स डिस्टेंस, 10 आवर्स तक हम डिस्टेंस ट्रैवल करते रहे तो टोटल हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 400 किलोमीटर। और वही 400 अगर हम 200 की स्पीड से चलाएंगे तो सर 2 आवर्स लगेंगे। अब अगर ये आवर्स गिवन हैं तब अगर हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तब सही आंसर आएगा, और नेचुरल है वो वाला आंसर इस 120 से डिफरेंट होगा। तो इससे क्लियर होता है कि 120 इज़ इनकरेक्ट एंड न्यू एवरेज by using hours
न्यू एवरेज बाय यूजिंग द आवर्स द्वारा से लिख देता हूँ न्यू एवरेज यानी कि अर्थमेटिक मीन बाय यूजिंग द आवर्स इज करेक्ट एवरेज। अगर हम आवर्स का यूज करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो बन जाएगा ये जैसे 40 × 10 और प्लस 200 × 2 और टोटल हमने कितना टाइम स्पेंड किया 12 आवर्स 40 × 10। तो ये हमने अभी सीखा नहीं है, देखो अगर आपको पहले से आता है तो थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगी कि हाँ इससे आंसर डिफरेंट आएगा और ये कैसे आया। देखो जनरली क्या है कि अर्थमेटिक मीन सब बच्चों ने पहले से सीखा होता है, ठीक है। तो कंक्लूजन इतना सही है कि अगर ये आवर्स हमें गिवन है देन दिस विल बी द फॉर्मूला, हम फ्यूचर में आगे वाली क्लासेस में सीखेंगे, देन इट विल बिकम 400 + 400 टोटल 12 आवर्स में हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया, 800/12 और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 66.67 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड जो है वो 120 के बदले 66.67 किलोमीटर आई है। तो ये देखो आवर्स का यूज़ करने पर ये आया, बिना आवर्स का यूज़ किए ये आंसर आया था। तो अल्टीमेटली जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि अर्थमेटिक मीन इज नॉट सूटेबल टू फाइंड एवरेज स्पीड, वो है कि अगर एवरेज स्पीड में सिर्फ स्पीड ही गिवन है और हमें आवर्स गिवन नहीं है देन अर्थमेटिक मीन विल गिव एन इनकरेक्ट आंसर, और अगर आवर्स गिवन है देन इट विल गिव करेक्ट आंसर। लेकिन फ्यूचर में आने वाले टाइम में हम लोग बाकी के जो एवरेज फाइंड करने के मेथड हैं जैसे ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन वगैरह या मीडियन और मोड, तो हम सीखेंगे कि जब उनका यूज़ करते हैं तो बिना आवर्स के ही हमें सही आंसर मिलता है, वही आंसर जो आवर्स को यूज़ करने पर मिलता है। तो नेचुरल है वो वाली एवरेज सूटेबल होगी, अर्थमेटिक मीन सूटेबल नहीं है। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको चलो एडवांस से बता देता हूँ, फ्यूचर में जब हम लोग सीखेंगे तो सीखेंगे दोबारा बता दूंगा तब। इन दोनों केसेस में हार्मोनिक मीन इज द सूटेबल एवरेज। जब हार्मोनिक मीन कराऊंगा तो आपको फाइंड करना भी सिखा दूंगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ अल्टीमेटली कि अगर हमें आवर्स गिवन ना हो और हमें इन दोनों का एवरेज निकालने के लिए कहा जाए, तो अगर हम इन दोनों का हार्मोनिक मीन निकाल दें तो ये आंसर आ जाएगा अपने आप ही। तो हेंस प्रूव हो गया कि हाँ जी हार्मोनिक मीन एवरेज स्पीड निकालने के लिए बेस्ट मेथड है। अभी आप सिर्फ इसे नोट कर लो, जब हम हार्मोनिक मीन सीखेंगे तो प्रूव करके दिखाऊंगा। एवरेज रेट फाइंड करने के लिए जिसमें रेट परसेंटेज में गिवन है, जैसे कि एवरेज ग्रोथ रेट या एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब परसेंटेज में गिवन होता है तब भी अर्थमेटिक मीन जो है वो सूटेबल एवरेज नहीं होता। तो फ्यूचर में इसे भी हम लोग सीखेंगे, ऐसे केसेस में ज्योमेट्रिक मीन जो है दैट इज़ द सूटेबल एवरेज। जब ज्योमेट्रिक मीन कराऊंगा तो प्रूव करके दिखा दूंगा। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेन देयर आर वाइड फ्लक्चुएशंस इन द डाटा, अगर डाटा में बहुत सारी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, ठीक है, उस केस में भी अर्थमेटिक मीन हमें बेस्ट एवरेज नहीं देता। तो मैं आपको सिर्फ ये प्रूव करके दिखा देता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, और आपको आगे ये भी लिखवा दूंगा कि इस केस में सूटेबल एवरेज क्या है। लेकिन क्योंकि हमने वो एवरेज अभी फाइंड करना सीखा नहीं है, तो जब हम सीखेंगे तो मैं आपको एक बार और प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको इसमें छोटी सी एक प्रॉब्लम बताता हूँ कि डाटा में अगर फ्लक्चुएशंस आती हैं तो अर्थमेटिक मीन सूटेबल एवरेज क्यों नहीं होता। तो मैं आपको इसमें डी पार्ट के
के बारे में समझा रहा हूँ, व्हेन देयर आर वाइड फ्लक्चुएशंस। When there are wide fluctuations in the data, like x की value हमें given है 10, 12, 13, 14 and 2000, 15 कर देते हैं, ठीक है, 10, 12, 13, 15, 2 तक, तो देख रहे हो ना wide fluctuations हैं, कुछ छोटे छोटे नंबर्स हैं और कुछ अचानक से बहुत बड़े हो गए, तो फ्लक्चुएशंस ही कहलाते हैं ये। ऐसे केसेस में अगर हम इन सबका सम निकालें तो ये बन जाएगा 2050, और अगर हम इसका अर्थमेटिक मीन निकालें तो 2050 को नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा 410। तो 410 देखते हैं, इसमें अर्थमेटिक मीन तो आ गया लेकिन सूटेबल है या नहीं है, ठीक है। देखो अगर हम ये बोलें कि किसी की इनकम 10 रुपीज़ पर डे है, सपोज कर लेते हैं ये हमें जो है इनकम दी हुई है पर आवर मान लेते हैं, चलो डी के बदले थोड़ा सा, ये जो हमें एक्स की वैल्यू गिवन है दैट इज़ इनकम पर आवर। सपोज कर लेते हैं एक है मिस्टर ए, एक है बी, एक है सी, डी और ई। हम इसको बोलें कि तुम्हारी एवरेज इनकम 410 रुपीज़ पर आवर है, बोलेगा अच्छा लेकिन मेरे तो सिर्फ 10 रुपीज़ पर आवर है। हमने कहा नहीं, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम जैसे बहुत सारे लोगों का हमने एवरेज निकाला है और एवरेज आया है 410, मतलब तुम सभी की इनकम 410 रुपीज़ पर आवर है। तो बोलेगा अच्छा चलो आप कहते हो तो मान लेता हूँ लेकिन लगता नहीं है। ऐसे ही अगर हम बी से कहेंगे तुम्हारी इनकम 410 रुपीज़ पर आवर है तो नेचुरल है कि उसे भी बहुत अजीब सा लगेगा और वो इसे मानने के लिए तैयार नहीं होगा, बोलेगा मेरी इनकम तो सिर्फ 12 रुपीज़ पर आवर है, 410 कैसे हो गई। सिमिलरली हम सी से कहेंगे तुम्हारी इनकम 410, बोलेगा अच्छा लेकिन मेरी इनकम तो सिर्फ 13 रुपीज़ है बराबर, और आप कह रहे हो 410 है। सिमिलरली हम डी से कहेंगे तुम्हारी इनकम 410 रुपीज़ पर आवर है, बोलेगा अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था मैं इतना अमीर आदमी हूँ, मैं तो समझता था कि शायद मेरी इनकम 15 रुपीज़ पर आवर है। यस, तो रियलिटी तो यही है कि उसकी इनकम 15 रुपीज़ पर आवर है लेकिन ये एवरेज जो है ये सूटेबल एवरेज, अच्छी एवरेज नहीं है, क्योंकि ये चारों इस बात के लिए एग्री नहीं कर रहे कि हाँ जी हमारी इनकम 410 रुपीज़ पर आवर है। चलो पांचवे को भी देख लेते हैं, हमने ई से कहा तुम्हारी इनकम 410 रुपीज़ पर आवर है, कहने लगा अच्छा लेकिन मेरी इनकम तो 2000 रुपीज़ है, 410 कैसे हो गई। तो ई भी इस बात को एग्री नहीं कर रहा, तो कोई इस आंसर को इन पाँचों में से मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मेरी 410 रुपीज़ पर आवर है। यस, तो जब कोई एग्री नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि ये सूटेबल एवरेज नहीं है। तो फ्यूचर में जब हम लोग मीडियन फाइंड करना सीखेंगे तो मीडियन की प्रॉपर्टीज़ में आपको लिखवाऊंगा, बताऊंगा कि व्हेन देयर आर वाइड फ्लक्चुएशंस इन द डाटा देन मीडियन इज़ द सूटेबल एवरेज। व्हेन डाटा इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज ज्योमेट्रिक मीन इज़ द सूटेबल एवरेज। When we want to find average price or average speed, ठीक है, average price or average speed, then harmonic mean is the suitable average, future में सीखेंगे। When we want to find the most frequently used value in the given data, हम given data में से ये देखना चाहते हैं कि कौन सी value सबसे ज़्यादा time use हो रही है, तो natural है कि arithmetic mean तो हमें उन सबका एवरेज बता देगा, ये नहीं बताएगा कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है। जैसे हमें एक्स की वैल्यू गिवन है 5, 10, 10, 10, 20, 20
और एक मिनट बता रहा, सिक्सटी फाइव सपोज सबका सम निकाला हमने, वन हंड्रेड फोर्टी। और अगर हम इसका अर्थमेटिक मीन निकाल दें तो वन हंड्रेड फोर्टी डिवाइड बाय वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन से डिवाइड किया तो आया ट्वेंटी। तो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू तो आई ट्वेंटी, लेकिन मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज, सबसे ज़्यादा बार नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है, वो है टेन। ट्वेंटी तो सिर्फ दो बार आया, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो नेचुरल है कि अगर हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज वैल्यू इन अ गिवन डाटा फाइंड करना चाहते हैं देन मोड इज द सूटेबल एवरेज। मोड का मतलब यही होता है कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, फ्यूचर में सीखेंगे अगर अभी नहीं किया आपने तो। अल्टीमेटली देखो अर्थमेटिक मीन के बाद हम लोग फ्यूचर में ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मोड सीखेंगे। तो ये बाकी की चार एवरेज हमें सीखने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर अर्थमेटिक मीन जो है वो एक सूटेबल एवरेज नहीं है। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सब चीज़ों को भूल जाएंगे और अर्थमेटिक मीन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम ये सब भी सीखेंगे। ये वाली क्लास हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको अर्थमेटिक मीन स्टार्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, ओके।